क्या होगा अगर आप एक मैजिक एकेडमी के अचानक से टीचर बन जाते हो, लेकिन आपके पास ना ही कोई पढ़ाने का लाइसेंस है और ना ही कोई एक्सपीरियंस, और यहाँ तक कि आपको आपके खुद के कलीग्स ही एकेडमी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके खुद के स्टूडेंट भी आपको पसंद नहीं करते, वो भी चाहते हैं कि आप एकेडमी से बाहर चले जाओ क्योंकि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन ठीक यहाँ पर आता है एक कहानी में ट्विस्ट। आपके पास होता है सबसे ज्यादा पावरफुल हिडन पावर्स जो कि उन लोगों को नहीं पता और आप भी उन लोगों को नहीं दिखा रहे हो, लेकिन वक्त आने पर आपको दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक इसी के ऊपर बेस है हमारा आज का एनिमे, और इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड्स है जिसका जेनर है एक्शन, फैंटेसी और हारेम। तो बिना और देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि एक मैच की कहानी का बुक पढ़ रहा होता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और वो बच्चा अब बड़ा हो जाता है और बोलता है मैं एक पावरफुल मैच बनना चाहता हूँ जस्टिस के लिए। फिर हमें एक शहर को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस सिटी का नाम है फेजिटे जो कि अल्जानो एम्पायर के दक्षिण में बसा हुआ है, और इसी के अंदर अल्जानो एम्पायर के सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक एकेडमी भी लोकेटेड है। इसके बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर किसी के लिए वेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके साइड के एक बूढ़े आदमी को हाथ में चोट लग जाता है, जो देखकर वो लड़की उस बूढ़े आदमी के पास चली आती है और अपने मैजिक के मदद से उस बूढ़े आदमी के चोट को ठीक कर देती है। और ये देखकर तो वो बूढ़ा आदमी भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है तुम उस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट हो है ना, वहाँ के स्टूडेंट तो काफी ज्यादा अच्छे होते है। वो लड़की बोलती है एकेडमी के बाहर मैजिक यूज करना गलत बात है, इसलिए आप इस बात को सीक्रेट रखना, और इस लड़की का नाम रूमिया होता है। ठीक तभी रूमिया की दोस्त सिस्टि वहाँ पर दौड़ के रूमिया को बुलाने लगती है, और इसके अगले पल ही वो दोनों एक साथ मिलकर एकेडमी के तरफ जाने लगते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए जाने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनके क्लास के अचानक से एक टीचर कहीं पर चले गए हैं, जिस वजह से आज एक न्यू टीचर इनका क्लास लेने वाला है। वही दूसरी तरफ हम एक लड़के को देख पाते है जो कि बहुत ही तेज दौड़कर कहीं पर जा रहा होता है, जिस वजह से उसके सामने जितने भी लोग थे वो भी डर के मारे साइड दे देते हैं। और ठीक तभी वहाँ पर सिस्टि और लुमिया आ जाते हैं, और वो लड़का उन दोनों से टकराने वाला ही होता है, लेकिन सिस्टि अपने मैजिक की यूज करते हुए उस लड़के को हवा में फेंक देती है, और वो लड़का हवा में उड़कर सीधा पानी के अंदर गिर जाता है, जिस वजह से सिस्टि और लुमिया दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, और लुमिया सिस्टि से बोलती है तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, जल्दी से उसके पास जाकर माफी मांग लो। लेकिन वो लड़का बहुत ही स्टाइल से पानी से उठता है और बोलता है यंग लेडीज क्या तुम दोनों ठीक हो। दूसरी तरफ हम और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उसी लड़के के लिए वेट कर रही होती है और बोलती है वो आज लेट है। वहीं पर वो लड़का सिस्टि और लुमिया से बोलने लगता है रास्ते के ऊपर से चलना डेंजरस हो सकता है, जिस वजह से थोड़ा ध्यान से चला करो, जिसमें सिस्टि बोलती है ये तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए था। तभी लुमिया सिस्टि को बोलने लगती है तुम्हें ऐसे रूड होकर बात नहीं करना चाहिए, पहले ही तुमने उसके लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया था, इसलिए जाओ और उससे माफी मांग लो। फिर सिस्टि और लुमिया दोनों ही उस लड़के से माफी मांगने लग जाते हैं, और वो लड़का तो अभी भी बहुत ही ज्यादा स्टाइल होकर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, और फिर वो बोलने लगता है तो फिर तय हो गया, इस एक्सीडेंट में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, जो भी था वो सब कुछ तुम्हारा था, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा। तभी वो लुमिया को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है, और फिर लुमिया के एक एक बॉडी पार्ट को छूकर चेक करने लग जाता है, और उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर बोलने लगता है क्या हम दोनों कहीं पर मिल चुके हैं। लेकिन तभी बीच में सिस्टि आकर फिर से अपने मैजिक की मदद से उसको हवा में फेंक देती है, और वो लड़का फिर से पानी के अंदर गिर जाता है। वहीं पर सिस्टि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है तुम ऐसे ही किसी लड़की को विदाउट परमिशन उसको टच नहीं कर सकते, ठरकी कही के, और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एकेडमी के अंदर एक टीचर और एक प्रिंसिपल को देख पाते हैं, जहाँ पर एक टीचर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है आखिरकार वो ठरकी यहाँ पर कैसे पढ़ा सकता है, भले ही वो यहाँ पर टेम्परेरी है लेकिन उसका ना ही कोई ओरिजिन है और ना ही कोई टीचिंग पोजीशन। वो प्रिंसिपल बोलता है सेलिका ने उसको रिकमेंडेड किया है तो फिर वो टीचर अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ रूमिया और सिस्टि क्लास में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर और भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने टीचर के लिए वेट कर रहे होते हैं, और सभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि अभी तक उनका पहला टीचर पहले दिन ही बहुत ही ज्यादा लेट है। और उन्हीं स्टूडेंट में से एक टॉपर जो कि बोलता है वो टीचर एक बस्टडी होगा जो कि अपने पहले दिन ही लेट है। तभी वो लड़का क्लास के अंदर आ जाता है
और इस लड़के का नाम ग्लेन है। और इसको देखकर रूमिया और सिस्टि दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ग्लेन अपने जगह पर जाकर सबको अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है बहुत ही अजीब तरीके से, जो देखकर सिस्टि बोलती है तुम्हें कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, जल्दी से क्लास शुरू करो। दूसरी तरफ वो टीचर तो अभी भी प्रिंसिपल से काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो एक एवरेज लड़का है और वो तो एक थर्ड रेट का मेज है, क्या वो हमारे एकेडमी के टैलेंटेड स्टूडेंट को पढ़ाने का लायक भी है। दूसरी तरफ ग्लेन चौक लेकर बोर्ड पर बहुत ही सीरियस होकर कुछ लिख रहा होता है, जो देखकर तो सभी स्टूडेंट्स का मुंह ही बंद हो जाता है और काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। फिर हम देख पाते हैं उसने बोर्ड पर लिखा है सेल्फ स्टडी और ये लिखकर वो बोलता है अपने आप जो पढ़ना है वो पढ़ लो, और ये बोलने के बाद वो वहाँ पर सो जाता है। और ये देखने के बाद तो सभी स्टूडेंट एकदम सदमे में ही चले जाते हैं और सोचने लगते है आखिरकार ये कैसा टीचर है, और सिस्टी तो गुस्सा होकर सर को ही मार देती है। दूसरी तरफ वो टीचर तो अभी भी प्रिंसिपल से शिकायत करे जा रहा होता है, तभी प्रिंसिपल बोलता है ग्लेन ने हमारे एकेडमी से 11 साल के एज में एडमिशन लिया था और 15 साल में उसने इस एकेडमी को छोड़ दिया था और बाकी 4 साल वो अचानक से गायब हो गया और हमें भी नहीं पता वो कहाँ पर था। जो सुनने के बाद तो वो टीचर बोलता है कि वो बेकार फूलिश मेज जो कि अपने 4 साल तो बर्बाद ही करेगा ना, उसको इस एकेडमी से जल्दी से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर सेलिका आ जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जो देखकर तो वो टीचर भी वहाँ पर डर जाता है और सेलिका बोलती है तुम्हें जो मर्जी है तुम मेरे बारे में बोल सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरे सामने ग्लेन के बारे में कुछ कहा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद तो वो टीचर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और उस टीचर के जाने के बाद प्रिंसिपल सेलिका से बोलता है ग्लेन क्या हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा भी पाएगा। सेलिका बोलती है आप टेंशन मत लो, वो जो भी अचीव करेगा सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस टीचर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलने लगता है तुम उसके लिए इतना कुछ क्यों करोगे, तुम्हारे साथ उसका रिलेशन क्या है। जिसमें सेलिका बोलती है ये कोई हैप्पी स्टोरी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन है। दूसरी तरफ ग्लेन उन लोगों को पढ़ाना शुरू कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से उन लोगों को पढ़ाता है, यहाँ तक कि उसका जो हैंडराइटिंग है वो भी काफी ज्यादा बेकार होता है, जिस वजह से तो कोई भी स्टूडेंट उसका हैंडराइटिंग नहीं समझ पाता। और सिस्टी का तो गुस्सा तो बढ़ता ही चला जा रहा होता है, वो काफी ज्यादा उस टीचर से गुस्सा होती है। तभी एक लड़की ग्लेन से एक सवाल करती है, जो सुनने के बाद ग्लेन बुक में कुछ उस सवाल का आंसर ढूंढने लगता है और कुछ देर आंसर ढूंढने के बाद वो बोलता है तुमने जो सवाल किया है ये तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए तुम खुद जाकर उस सवाल का आंसर ढूंढ लो। और ये देखकर सिस्टी गुस्सा होकर खड़ी होती है और टीचर से बोलने लगती है तुम एक टीचर हो और तुम्हें हम लोगों को सिखाने का एक जॉब है, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है या नहीं। ग्लेन बोलता है मैंने तुमको बोला ना कि मुझे आंसर नहीं पता। ये सुनने के बाद सिस्टी और कुछ बोलने जाने ही वाली होती है, तभी क्लास का घंटा बज जाता है और घंटा सुनकर स्टूडेंट से पहले ग्लेन वहाँ से भाग जाता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। और ये देखकर हमारा टॉपर बोलता है वो सच में एक बस्टर्ड है। देन अगले सीन में रूमिया सिस्टी और बाकी सब अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों का अगला क्लास एल्केमी लैब में होता है। वहीं पर सिस्टी तो अभी भी उस टीचर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मुझे अपने आप को हील करना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद ही सिस्टी रूमिया के चंगू मंगू को पकड़ने लग जाती है और सिस्टी बोलने लगती है तुम्हारा स्किन काफी ज्यादा प्यारा और सफेद है और तुम्हारे चंगू मंगू भी काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, पता नहीं मेरा सब न्यूट्रिएंट कहाँ पर चला जाता है। ठीक तभी वहाँ पर ग्लेन वहाँ पर आ जाता है और वो दरवाजे को लात मारकर खोल देता है और बोलता है तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए कपड़े चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो नोटिस कर पाता है कि वहाँ पर सभी लड़कियाँ आधी नंगी होती है, जो देखकर वो बोलता है तुम लोग टेंशन मत करो मैंने कुछ भी नहीं देखा। और इसके अगले पल ही सभी लड़कियाँ उसको मारकर उसके नाक से खून ही बाहर निकाल देती है। और इसके अगले पल हम फिर से सिस्टी को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और बोलती है हमारा एल्केमी लैब भी कैंसिल हो गया। ठीक तभी वहाँ पर रूमिया अपना खाना लेकर आ जाती है और बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन चलो अब हमारे लंच को एंजॉय करते हैं। और अचानक से वहाँ पर ग्लेन भी अपना खाना लेकर आ जाता है और खाना खाने लग जाता है, जो देखकर तो सिस्टी उसके ऊपर फिर से गुस्सा करने लगती है। और रूमिया भी ग्लेन के खाने से कुछ खाना टेस्ट करती है जो कि उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ग्लेन सिस्टी से बोलता है तुम इतना ज्यादा कम खाना क्यों खा रही हो। सिस्टी बोलती है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये सुनने के बाद तो ग्लेन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और आसपास के बाकी स्टूडेंट्स भी उन दोनों की तरफ ही देखने लग जाते हैं। फिर सिस्टी उठकर कुछ बोलने वाली होती है, तभी ग्लेन अपना खाना उसके मुंह के अंदर डाल देता है और बोलता है तो फिर कैसा लगा मेरा खाना।
वहीं दूसरी तरफ हम सेलिका को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी हमें एक पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सेलिका ग्लेन के पास जाकर उसको एकेडमी में पढ़ाने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर ग्लेन मना कर देता है। जो सुनने के बाद सेलिका गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अगर तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुम्हें आग से भून डालूंगी, या फिर बर्फ से जमा दूंगी, या फिर खतरनाक लाइटिंग से तुम्हें शॉक दूंगी। ये सुनने के बाद तो ग्लेन डर के मारे सेलिका के सामने झुककर माफी मांगने लग जाता है और बोलता है कि मुझे सच में काम नहीं करना। फिर सेलिका एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जो देखकर तो ग्लेन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन ये अटैक मिस हो जाता है, जिस वजह से ग्लेन बच जाता है और सेलिका बोलती है, अगली बार मैं जो अटैक करूंगी वो मिस नहीं होगा। अब अगले सीन में हम फिर से ग्लेन को देख पाते हैं जो कि हर एक पीरियड में सो रहा होता है और कुछ उल्टा सीधा ही कर रहा होता है, और जिस वजह से सिस्टी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो खड़ा होकर बोलती है, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं नोबेल फीवेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने फादर से बोलकर तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो ग्लेन सिस्टी के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे फादर के ऊपर भरोसा करता हूँ, वो मुझे जरूर निकाल देंगे, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, अब मैं इस एकेडमी से बाहर जा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद तो सिस्टी इस बार काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ के ग्लव्स को खोलकर ग्लेन के मुंह पर मार देती है और उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। ये देखकर तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर हमारा टॉपर बोलता है, ये तो अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ सिस्टी बोलती है, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? और इस बार तो सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ रूमिया सिस्टी को ये सब करने के लिए मना करने लगती है और ग्लेन से माफी मांगने के लिए भी बोलने लगती है। ग्लेन बोलता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? सिस्टी बोलती है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपने एटीट्यूड को सही करो और हमें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाना शुरू करो। ये सुनकर ग्लेन बोलता है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरे डिमांड भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, जिसमें कि सिस्टी हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद ग्लेन सिस्टी की तरफ देखता है और उसको अपने पास्ट के एक लड़की के बारे में याद आ जाता है। फिर प्रेजेंट में उस सिस्टी के ग्लोब्स को हाथ में उठाकर बोलता है, चलो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब अगले सीन में ये सभी लोग बाहर फाइट करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर आसमान में भी काले बादल छा चुके होते हैं। ग्लेन बोलता है, हम सिर्फ शॉक बोल्ट को ही यूज करेंगे। वही साइड में जितने भी बाकी स्टूडेंट्स थे उन सभी को लगता है टीचर ही जीतेंगे और वो लोग ये भी बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार टीचर ने शॉक बोल्ट को ही क्यों चुना। जिसमें हमारा टॉपर बताने लग जाता है, शॉक बोल्ट एक ऑल पर्पस स्पेल है, ये एक डिफेंसिव स्पेल है जो कि अपने ओपोनेंट को पैरालाइज या डिसेबल करने में मदद करता है। लेकिन असली मैच में इस शॉक बोल्ट फाइट को वही जीत पाएगा जो कि इसके मंत्र को जल्दी पढ़ पाएगा। वही पर हमारा ग्लेन तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में होता है। दूसरी तरफ सिस्टी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही होती है, उसको काफी ज्यादा डर लगने लगता है। जिसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और सिस्टी हिम्मत करके अपना पहला अटैक ग्लेन पर कर देती है। वहीं पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में होते हैं। दूसरी तरफ ग्लेन को उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा जोर से शॉक लगता है और वो तो चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर ग्लेन उठता है और बोलता है, मैं तो बस टहल रहा था, इसलिए ये 3 राउंड का मैच होगा। इसके बाद ग्लेन भी अपने अटैक को तैयार करने लगता है, लेकिन उससे पहले सिस्टी उसके ऊपर फिर से शॉक बोल्ट का अटैक कर देती है, जिस वजह से ग्लेन को फिर से शॉक लग जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और अगले राउंड में तो ग्लेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सिस्टी के ध्यान को बढ़ाने के लिए उसको बोलता है कि वहाँ पर देखो, और ये बोलने के बाद वो हंसता है और बोलता है, तुम तो मेरे जाल में फंस गई, और फिर वो अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन इससे पहले सिस्टी उसके ऊपर फिर से शॉक बोल्ट का अटैक कर देती है, जिसके बाद ग्लेन उठता है और बोलता है, मैं तो तुमसे जानबूझकर हार रहा था। लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ग्लेन इस मंत्रों को जल्दी पढ़ नहीं सकता। तभी सिस्टी बताने लगती है, तो मैं इस बैटल को जीत गया हूँ, इसलिए मैं जो बोलूंगी आपको वही करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो ग्लेन पूरे बात को ही घुमा देता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, हमने कुछ प्रॉमिस भी किया था, मुझे तो याद नहीं आ रहा। और ये सुनने के बाद तो रूमिया और सिस्टी दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर ग्लेन तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाता है और फिर उठकर फिर से भाग जाता है, जो देखकर तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सिस्टी तो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही होती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार एक ऐसा टीचर है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एनिमे कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोगों को इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड भी लिख कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।